हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ग्रिड मेथड का यूज़ करके एक पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं। सो आज जो हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं वो इंडिया के जाने माने क्रिकेटर श्री सचिन तेंदुलकर जी सर है। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलो अब हम अपनी रेफरेंस फ़ोटो देखते हैं। सो गाइस, ये हमारी रेफरेंस फ़ोटो है जो हमने अब ड्रॉ करनी है शीट पे। सो अब हम इस पर ग्रिड बनाते हैं। वैसे ग्रिड बनाने के प्ले स्टोर पर काफ़ी ऐप हैं, बट मेरे को ये ऐप काफ़ी अच्छा लगता है। चलो हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इमेज का साइज सेलेक्ट करते हैं। देखो ये ग्रिड बन चुकी है हमारी शीट पे। और आप अपने हिसाब से शीट पे कितने कॉलम करने हैं, कितने आपको कंफर्टेबल हैं, आप कितने कॉलम में बनाने, छोटे कॉलम बनाने, अपने बड़े कॉलम में इमेज बनानी है। अगर आपको बड़े कॉलम्स में इमेज बनानी है तो साइज वन सेल में जाके आप यहाँ पर नंबर चेंज कर सकते हैं और आपको ये देखे बड़े कॉलम में इमेज बन जाएगी आपकी ग्रिड। अगर आपको छोटे कॉलम में बनाने तो आप यहीं से जाके अपनी इमेज कॉलम चेंज कर सकते हैं। देखो बट मेरे को जो कंफर्टेबल लगता है वो नंबर 25 mm है। सो मैं 25 लेता हूँ। सो काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाती है। अब हम इस इमेज को अपनी को सेव कर लेते हैं। जैसा कि गाइड्स आपने देखा, हमने जो फ़ोटो पे ग्रिड बनाई थी सेम ग्रिड हम अब अपनी शीट पे बनाएंगे मेजरमेंट के करके। इसकी ब्रेथ वाइज मैं 9 कॉलम्स रखूँगा और लेंथ वाइज इसके 12 कॉलम्स रखूँगा, जैसा कि हमने अपनी इमेज में देखा था। तो गाइस, जब भी हम ग्रिड बनाते हैं तो नंबरिंग करना मत भूलना, क्योंकि नंबरिंग करने से हमें काफ़ी आसानी होती है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने काफ़ी लाइट टोन में पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ आउटलाइंस ड्रॉ कर ली थी। अब मैंने थोड़ा डार्क टोन दे रहा हूँ जिससे आपको ये इमेज इजीली दिख सके। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, देखने में काफ़ी अच्छी दिख रही है। आई
आई होप गाइड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और मेरे नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।